दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्क बांड और खूनी पुतली पार्ट 2। यहाँ तक स्टोरी हम पढ़ चुके हैं इसे पार्ट 1 में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना, वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। कुर्क बांड का फोल्डर है उसके अंदर। तो अब मैं पढ़ता हूँ आगे से। मुझे अच्छी तरह ध्यान है, जब मैं पिछली बार यहाँ आया था तो वह गुड़िया यही रखी हुई थी। तुम तो उस गुड़िया के संबंध में इनसे पूछिए। बोन ने चमन भाई की विधवा बहन की ओर इशारा किया। मैडम, पिछली बार यहाँ एक सुंदर सी गुड़िया रखी थी, जिसके बारे में आपके लड़के ने बताया था कि वह किसी आइवरी एम्पोरियम के मालिक विजय सक्सेना ने उपहार में दी थी। वह गुड़िया यहाँ से कहाँ गई? हाँ, वह गुड़िया रखी तो यही थी, लेकिन उसे यहाँ से किसने हटाया इस संबंध में मुझे तो कुछ मालूम नहीं। ठहरिए, मैं भी पूछ कर बताती हूँ। परंतु पूछताछ करने पर किसी ने भी उस गुड़िया के बारे में मालूम नहीं हो सका। उसके बारे में न घर के नौकर नौकरानी कुछ बता सके और न ही सेठ चमन भाई का भांजा ही कुछ बता सका। आश्चर्य की बात है, एक सुंदर सी वस्तु घर से गायब हो गई और उसके बारे में पूरे घर में किसी को कुछ मालूम नहीं। अंकल, शांति देवी यही है, इनसे भी उस गुड़िया के बारे में पूछ कर देख लीजिए। पटाका सिंह शांति देवी से संबोधित हुआ। शांति देवी, सेठ जी के संकर्ष में भी विजय सक्सेना द्वारा दी गई एक गुड़िया रखी थी, वह वहां से कहाँ गई? क्या उसे आपने वहां से हटाया था? नहीं तो क्या वह वहां नहीं है? नहीं, वो वहां से उसे कौन हटा सकता है? उस गुड़िया में जरूर कोई रहस्य छिपा हुआ है। अरे, यह ग्रुप फोटो, यह फोटो किन किन लोगों की है? जिनमें एक तो मेरे भैया हैं और ये है मेरे भैया, और ये तीनों मेरे भैया के गहरे दोस्त थे और हैं। क्या मतलब थे और हैं से आपका मतलब? मतलब यह कि सिर्फ मिस्टर किशन लाल को छोड़कर बाकी सबकी मृत्यु हो चुकी है। इनमें यह शांति बहन के स्वर्गीय पति सेठ जमुना प्रसाद जी हैं और ये है मिस्टर किशन लाल जी, और यह चौथे व्यक्ति कौन है? ये मिस्टर राघव चंद राय हैं। 5-6 साल पहले इनकी मृत्यु एक कार दुर्घटना में हो गई थी। हम यानी चारों दोस्तों में से तीन दोस्तों की मृत्यु हो चुकी है, या यूं कहीं कह लीजिए कि मर्डर हो चुका है, और अब इनमें से सिर्फ एक ही शेष बचा है और वह मिस्टर किशन लाल जी। हाँ, क्या आप मैं मिस्टर किशन लाल का पता बता सकती हैं? जी हाँ, वे अक्सर हमारे यहाँ आते रहते हैं और अभी अभी वे हमारे यहाँ से चौथे की रस्म में शामिल होकर अपने घर वापस गए हैं। वो तब आप मैं उनका पता नोट करवा दीजिए। बॉन्ड के इशारे पर मोटर ने किशन लाल का पता नोट कर लिया। इसके बाद वे बिना कुछ और पूछताछ किए कोठी से बाहर निकलाए। बॉन्ड बेटे, तुमने सेठ चमन भाई के सैन्य कक्ष की जांच पड़ताल तो की नहीं और वापस चले आए? मेरी जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है अंकल, अब हमें जल्द से जल्द किशन लाल से मिलना है, जल्दी चलिए। तीनों जीप पर सवार होकर किशन लाल की कोठी की ओर चल पड़े। आखिर तुम किशन लाल से मिलने के लिए इतने आतुर क्यों हो बेटे? अंकल, बस समझ लीजिए, या तो किशन लाल ही अपने दोस्तों का खूनी है या फिर उसका भी खून होने वाला है। क्या? अरे, जीप को संभालिए अंकल। बॉन्ड की बात को सुनकर पटाखा सिंह इतना अधिक आश्चर्यचकित हुआ था कि जीप से कंट्रोल खो बैठा था। यदि बॉन्ड उसे चेतावनी नहीं देता तो वह जरूर कोई भयानक एक्सीडेंट कर बैठता। खैर, कुछ देर बाद वे मिस्टर किशन लाल की कोठी पर पहुंच गए। किशन लाल कुछ ही देर पहले बाहर से वापस लौटा था। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हम आपसे सेठ जमुना प्रसाद और चमन भाई के कत्ल के बारे में पूछताछ करने आए थे। ओ, आइए मेरे साथ चलकर, कमरे में ही बातें होंगी। किशन लाल बातचीत करने के लिए संयोग से उन्हें अपने कमरे में ही ले गया और वहां पहुंचते ही बॉन्ड आदि चौंक कर उछल पड़े। बिल्कुल वही गुड़िया है। क्या हुआ? आप लोग उस गुड़िया को देखकर इतने चकित क्यों हो उठे हैं? वो बॉन्ड ने तुरंत बात बनाई। कोई खास बात नहीं मिस्टर किशनलाल, दरअसल इस तरह की गुड़िया हम एक दो और घरों में देख चुके हैं। शायद इस तरह की गुड़िया घर में रखना आजकल फैशन बन गया है। वैसे बाय द वे, आपने यह गुड़िया खरीदी है या किसी ने आपको प्रेजेंट में दी है? न खरीदी और न किसी ने प्रेजेंट में दी है। दरअसल मेरा गुड़ियों का ही व्यापार है। मेरी एक फैक्ट्री है जहाँ तरह तरह की प्लास्टिक और अन्य वस्तुओं की गुड़िया तैयार होती है। उसके अलावा भी मैं दूसरों से माल खरीदता हूँ। इसी व्यापारिक सिलसिले में कल दिन के समय मुझसे आइवरी कंपनी के मालिक विजय सक्सेना मिले थे।
उन्होंने ही मुझे यह गुड़िया सैंपल के रूप में दी थी। गुड़िया काफी सुंदर है और मैं इसे अच्छा पैसा कमा सकता हूँ, इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि आइवरी कंपनी को मैं इस तरह की गुड़िया सप्लाई करने का तगड़ा ऑर्डर दूंगा। शायद आज रात ही वे मुझसे मुलाकात करने यहाँ आएंगे, क्योंकि कल रात तो मैं बिजनेस के सिलसिले में अकस्मात बाहर चला गया था। वो कल रात किशनलाल घर पर नहीं था और आज रात विजय सक्सेना ऑर्डर लेने इसके घर आ रहा है। आपके परिवार में और कौन कौन है? पत्नी बच्चे सभी हैं, लेकिन फिलहाल वे कुछ दिनों के लिए मेरे ससुराल गए हैं। मेरा मतलब है, मैं आपका मतलब समझ गया मिस्टर किशनलाल। आप यह बताइए कि आपको अपने दोनों दोस्तों के मर्डर के बारे में मालूम है ना? मालूम है, और मैं अभी कुछ देर पहले ही चमन भाई के घर से होकर आया हूँ, परंतु तो मुझे आश्चर्य है कि मेरे दोनों मित्रों का कत्ल आखिर किसने और क्यों किया। अच्छा, क्या आप यह बता सकते हैं कि आपके चौथे मित्र राय साहब की मृत्यु कैसे हुई थी? वह एक भयानक कार दुर्घटना में मारा गया था। वह हमारा सबसे अच्छा दोस्त था। क्या आपके पास उनके घर का पता है? नहीं साहब, मेरे पास उनका पता नहीं है। क्या मतलब उनके परिवार में कोई नहीं है क्या? है, मेरा मतलब है कि राय के बीवी बच्चे सभी थे, लेकिन मुझे उनके बारे में कुछ नहीं मालूम। कमाल है, एक अच्छे दोस्त के बीवी बच्चों के बारे में आपको कुछ नहीं मालूम। खैर, अब हम चलते हैं, जरूरत पड़ी तो हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जी, जैसी आपकी इच्छा। चलते चलते बॉन्ड ने उस बुढ़िया को उठाकर उलट पलट कर गौर से देखा। सिर्फ आंखों के अलावा कोई खास बात नहीं इसमें दिखाई देती। वैसे बनाने वाले ने इसकी डाई काफी अच्छी बनाई है। फिर बॉन्ड मोटू और पटाखा सिंह के साथ कोठी से बाहर निकल आया। किशन लाल से मिलने के बाद तुम किस नतीजे पर पहुंचे बॉन्ड बेटे? इस नतीजे पर कि आज शिकायत किशन लाल के लिए काफी भयानक साबित हो सकती है। क्या मतलब? मतलब भी बता दूं अंकल, फिलहाल आप आइवरी एम्पोरियम चलने की तैयारी कीजिए, क्योंकि हमें अब जल्द से जल्द विजय सक्सेना से मिलना है। और उनके जीप आइवरी एम्पोरियम की ओर दौड़ पड़ी। आइवरी एम्पोरियम में पहुंचकर हमें विजय सक्सेना से मिलना है, उधर भीतर चले जाइए, वे भीतर ही हैं। उस समय सांझ ढलने को थी। ऑफिस में मुझे विजय सक्सेना कहते हैं, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या आप इस एम्पोरियम के मालिक हैं? जी हाँ, आप किशन लाल सेठ जमुना प्रसाद और सेठ चमन भाई से तो परिचित ही होंगे, सिर्फ नाम से परिचित हूँ। क्या मतलब? क्या आप इन तीनों में से किसी से भी व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं है? जी बिल्कुल नहीं, मैं इन लोगों से कभी नहीं मिला, बल्कि इनमें से दो के मर्डर के बारे में भी मुझे अखबारों के जरिए मालूम हुआ है। क्या? बांड पटाखा और मोटू के मुंह आश्चर्य आश्चर्य से खुले गए कि क्या आप सेठ जमुना प्रसाद की शादी की वर्षगांठ पर उन्हें गुड़िया उपहार में देकर नहीं आए? जी नहीं। क्या आप सेठ चमन भाई के घर भी उसके भांजे के जन्मदिन पर नहीं गए? जी बिल्कुल नहीं, मैंने कहा ना, मैं उनसे कभी नहीं मिला, और कल आप किशन लाल से भी नहीं मिले। अजी साहब, मैं कल यहाँ किसी से भी नहीं मिला, क्योंकि मैं आज ही 5-6 दिन के टूर के बाद शहर से वापस लौटा हूँ। ओ माय गॉड, यहाँ तो सारा चक्री उल्टा पड़ गया है। आखिर बात क्या, आप मुझसे इस तरह के प्रश्न क्यों कर रहे हैं? आपको हमारे साथ कहीं चलना होगा मिस्टर सक्सेना, मार्ग में हम आपको सारी बात बता देंगे। विजय सक्सेना ने पहले तो मना किया, परंतु तो फिर अब पटाखा सिंह के आदेश की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं कर सका। मार्ग में बांड और पटाखा सिंह ने कुछ खास बातें छोड़कर उसे सारी बात बता दी। बॉन्ड आदि विजय सक्सेना को लेकर सर्वप्रथम किशनलाल के यहाँ पहुंचे। मिस्टर किशनलाल, यही है आइवरी एम्पोरियम के मालिक विजय सक्सेना। गुड़ियों का ऑर्डर आप इन्हीं को देने वाले थे ना? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? यह वो विजय सक्सेना नहीं है। वहां से वे सेठ जमुना प्रसाद और चमन भाई कोठी पर बारी बारी से पहुंचे, परंतु तो वहां से भी उन्हें एक ही उत्तर मिला, नहीं इंस्पेक्टर, यह वो विजय सक्सेना नहीं है। नहीं, ये वे नहीं है, वे तो बुजुर्ग थे। ओ, हताश होकर बॉन्ड आदि ने विजय सक्सेना को मार्ग में छोड़ दिया और स्वयं पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। बॉन्ड बेटे, इतनी छानबीन करने के बाद अब तुम किस नतीजे पर पहुंचे? यह केस तो शैतान की आंत की तरह उलझता ही चला जा रहा है। हाँ, बात तो कुछ ऐसी है। बॉन्ड सारे रास्ते किसी गहरी सोच में डूबा रहा, परंतु पुलिस स्टेशन पहुंचते ही वह किसी विचार के दिमाग में आते चौंक कर उछल पड़ा। अरे क्यों, क्या हुआ?
अंकल आप फौरन चमन सेठ और जमुना सेठ के नौकर नौकरानी को पकड़ मंगवाइए, परंतु वे तो अपने अपने घर जा चुके होंगे। जो घर में रहते सिर्फ उन्हीं को लाना है। ठीक है, अभी सिपाहियों को भेजता हूँ। पटाका ने तुरंत एक सब इंस्पेक्टर को कुछ सिपाहियों के साथ गंतव्य स्थान के लिए रवाना कर दिया। बांड बेटे, मेरे विचार से तुम थक गए होंगे, अतः घर जाकर आराम कर लो। उन लोगों से पूछताछ सुबह आकर कर लेना। अगर मैंने और आपने अब जरा भी सुस्ती दिखाई अंकल, तो समझ लीजिए कि एक आदमी और अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, और फिर हम लोग जीवन भर उसके कातिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो लगता है तुम किसी नतीजे पर पहुंच चुके हो। हाँ, और मुझे विश्वास है कि हम उस अज्ञात कातिल को आज रात ही पकड़ पाने में सफल हो जाएंगे। और सब इंस्पेक्टर यादव रात के लगभग 8 बजे जमुना प्रसाद की एक नौकरानी और चमन भाई के एक नौकर को पुलिस स्टेशन में पकड़ लाया। दोनों ही बुरी तरह घबराए हुए थे। सुनो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुमने इन साहब के प्रश्नों का सच सच उत्तर दे दिया, तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा जाएगा, बल्कि इनाम में कुछ रुपया भी दिया जाएगा। साहब, मैं कुछ नहीं मालूम। वाह भाई वाह, बिना प्रश्न सुने ही नहीं मालूम कह दिया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हें सब कुछ मालूम है, इसलिए यदि तुम अपना भला चाहते हो तो चुपचाप यह बता दो कि अपने अपने मालिकों के शयनकक्ष से वह गुड़िया तुम लोगों ने हटाकर कहाँ छिपाई है या किसको दी है। ओह, तो ये बात है। हम सच कहते हैं साहब, हमें उस गुड़िया के विषय में कुछ नहीं मालूम। तो तुम यूं नहीं मानोगे। तब बॉन्ड के इशारे पर पटाखा सिंह ने उन पर सख्ती की। कड़ कड़ ई आई। जल्दी दोनों ने सच्चाई उगल दी। वह गुड़िया हमने एक व्यक्ति को दे दी थी साहब। वह कार में आया था और उसने गुड़िया के बदले मुझे 5,000 रुपये दिए थे। मुझे भी साहब, तुम देखने में कैसा था वह आदमी। बूढ़ा दाढ़ी वाला था। उसी कार का क्या नंबर था? MQD 3192। अंकल, आप इस नंबर की कार के मालिक का पता कीजिए और पुलिस स्टेशन पर ही हमारे फोन का इंतजार करिएगा। हम जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इन दोनों का मैं क्या करूं? इन दोनों को लॉकअप में डाल दीजिए, सुबह छोड़ दीजिएगा। ठीक है। कुछ देर बाद, बंड भैया, अब क्या हम घर चल रहे हैं? नहीं, इस समय मिस्टर किशन लाल के घर चल रहे हैं। अब रात के समय किशन लाल क्षेत्र में क्या काम पड़ गया? उसकी जिंदगी खतरे में है मोटू, और मैं उसे हर कीमत पर बचाना चाहता हूँ ताकि कातिल को पकड़ सकूं। सिगरी बॉन्ड ने किशन लाल की कोठी के पिछवाड़े में पहुंचकर मोटरसाइकिल रोक दी और दीवार फांद कर भीतर पहुंच गए। वैरी किशन लाल के समकक्ष की खिड़की, सुखर खिड़की खुली हुई है। परंतु तुम्हारा इरादा क्या है? तुम यहीं रुको, लेकिन सतर्क रहना। यदि कोई भीतर घुसने की कोशिश करे तो मुझे किसी इशारे से संकेत कर देना, मैं भीतर जा रहा हूं। तुम्हारा मतलब है कि आज की रात कातिल किशन लाल को भी समाप्त करने आएगा? हाँ, खर। वह सो रहा, मैं अंदर जा रहा हूं। फिर बॉन्ड खिड़की फांद कर भीतर घुस गया, खर, और एक अलमारी के पीछे छिपकर खड़ा हो गया। 11 बज चुके हैं, खर। कुछ देर बाद किशनलाल के बिस्तर के पास ही रखी गुड़िया को हरकत में आते देख बॉन्ड बुरी तरह चौंक उठा। है? गुड़िया हिलती डुलती चलती हुई अपनी जगह से किशनलाल के सिर के ठीक ऊपर पहुंच गई। अरे, यह तो चल फिर रही है। अगले पल गुड़िया के मुंह से एक किसी दरवे की एक पतली सी धार निकलकर किशनलाल के चेहरे पर पड़ने लगी। यह सब देखकर बॉन्ड की आंखें आश्चर्य से चौड़ी उठी। ओ माय गॉड। तभी बॉन्ड के दिमाग में एक धमाका हुआ, जहर। अगले पल बॉन्ड ने अपने शैतान पर से एक लंबी छलांग लगाई और बिना एक पल भी गवाए उसने एक जोरदार लात गुड़िया को लगा दी, खटाक। इस हलचल से किशनलाल की नींद टूट गई। कौन है तुम? हाँ मिस्टर किशनलाल, शुक्र समझिए कि आप आज मेरी वजह से आपकी जान बच गई, कहकर बॉन्ड ने उसे सारी बात बता दी। सारी बात बताकर बॉन्ड ने वह गुड़िया उठाई और उसकी गर्दन मरोड़ डाली। तुरंत कुछ पुर्जे निकालकर उसके हाथ में आ गए और कुछ फरस पर गिर पड़े, खटखट। ओह, यह तो रिमोट द्वारा संचालित होने वाली पुतली है। तो कातिल इसके द्वारा यह मर्डर कर रहा था।
गुड़िया के मुंह से भीतर एक रबड़ की थैली थी जिसमें जहर भरा था। तो यह सारा चक्कर। अब यह भी साफ हो गया कि कातिल कहीं बैठा इस गुड़िया को रिमोट कंट्रोल द्वारा टीवी स्क्रीन के माध्यम से कंट्रोल कर रहा था होगा और सब कुछ देख चुका होगा। मिस्टर कुरकुबान, आखिर यह सब क्या चक्कर है? यह आपकी मौत का चक्कर है मिस्टर किशनलाल। शुक्र समझिए कि आप बाल बाल बच गए। अब बताइए कि आपका फोन कहाँ है, मुझे तुरंत फोन करना है। किशनलाल बॉन्ड को फोन वाले कमरे में ले गया। बॉन्ड ने फटाफट पटाखा सिंह नंबर डायल किया और संपर्क होने पर, कौन? मैं बॉन्ड बोल रहा हूँ अंकल, क्या उस कार के मालिक का पता चला? हाँ बॉन्ड बेटे, चल गया। वह किसी प्रकाश राघव नाम के आदमी की है और उसका पता 20B ग्रीन पार्क है। गुड, ग्रीन पार्क यहाँ से नजदीक ही है। अंकल आप तुरंत किशनलाल जी जी की कोठी आ जाइए, मैं यही हूँ। हम यहीं से ग्रीन पार्क चलेंगे। ठीक है। फिर संपर्क बनकर बांड ने मोटू को भी भीतर बुला लिया और वे पटाखा सिंह के आने का इंतजार करने लगे। लगभग 10 मिनट बाद पटाखा सिंह की जीप उन्हें कोठी के भीतर घुसते दिखाई दी। किशनलाल को सतर्क रहने का निर्देश देकर बॉन्ड और मोटू पटाखा सिंह के साथ जीप पर सवार होकर वहां से चल पड़े। मार्ग में बॉन्ड ने पटाखा सिंह को सारी बात बता दी। ओह, तो यह है सारा चक्कर। उधर ग्रीन पार्क के एक बंगले में एक नौजवान बैठा सामने प्रकाश विन एक छोटे से टीवी का को घूर रहा था जो एक मशीन के ऊपर फिट था। उफ, उस जासूस छोकरे ने सारे की एक कराई पर पानी फेर दिया। अब तो भलाई इसमें कि जल्द से जल्द यह बंगला ही नहीं बल्कि यह शहरी छोड़कर भाग निकलूं, वरना यदि मेरा भेद खुल गया तो धर लिया जाऊंगा। अगले पल उसने टीवी सेट के साथ साथ वहां लगी तमाम मशीनों को नष्ट करना शुरू कर दिया। खट खट खटाओ। यहाँ से जाने से पहले इस छोटे से कंट्रोल स्टेशन को नष्ट कर देना ही उचित होगा। उस छोटे से स्टेशन को पूरी तरह से नष्ट करने के बाद उसने फटाफट अपना एक बड़ा सा अटैची केस को संभाला और वहां से चल पड़ा। परंतु जैसे वह कमरे से निकलकर बंगले के बरामदे में पहुंचा, है पुलिस जासूस, खबरदार मिस्टर, यदि अपनी जान पैरी है तो बैग नीचे रखकर हाथ ऊपर उठा लो। तो बच्चों भागने की तैयारी कर रहा था। मजबूरी थी, भागने का कोई मौका नहीं था, अतः उस युवक ने कोई हिल उजत न करके बैग नीचे रख दिया और हाथ उसके आगे बढ़ा दिए। तब पटाखा सिंह ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। वे लोग उस युवक को पकड़कर थाने ले गए, लेकिन उससे सारी बात उगलवाने के लिए पटाखा सिंह को उस पर कोई सख्ती नहीं करनी पड़ी। उसने स्वयं ही अपना जुर्म कबूल कर सब कुछ बताना स्वीकार कर लिया था। मेरा नाम प्रकाश राघव है और मैं स्वर्गीय राघव राय का इकलौता बेटा हूँ। योग प्रकाश राघव ने उन्हें बताना शुरू किया। मेरे पिता किशनलाल, चमन भाई और सेठ जमुना प्रसाद आपस में गहरे मित्र थे। वे अक्सर हमारे घर आते रहते थे क्योंकि उनका हीरो का व्यापार था और वे बराबर के भागीदार थे। हा। एक बार मेरे पिता के हाथ नायाब हीरे लग गए जो करोड़ों रुपए के थे। उन्होंने वे हीरे अपने तीनों दोस्तों को दिखाए। इतने कीमती हीरों को अकेले मेरे पिता का को मालिक बनते देख उन तीनों की नीयत खराब हो गई और उन तीनों ने मिलकर मेरे पिता को ठिकाने लगाकर वह हीरे प्राप्त करने की ठान ली। यह 5-6 साल पुरानी बात है कि एक रात उन्होंने मेरे पिता को खूब शराब पिलाई और उन्हें उस कार पर सवार करवा दिया जिसके ब्रेक उन्हें उन्हीं लोगों ने पहले से फेल कर दिए थे। इस तरह उनकी घिनौनी मनसा पूरी होगी और मेरे पिता उस कार एक्सीडेंट में मारे गए। भड़ाओ। उसके बाद उन तीनों ने न केवल उन बहुमूल्य हीरो पर अपना कब्जा कर लिया बल्कि सारा कारोबार भी हथिया कर मेरी माँ को घर से बेघर कर दिया। हम लोग घर से फुटपाथ पर आ गए। मैं उस समय अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए लंदन गया हुआ था। मुझे इलेक्ट्रॉनिक लाइन से काफी लगाव था, अतः मैं पढ़ाई करने के साथ साथ ऐसी रोबोट पुतली का निर्माण करने में जुटा हुआ था जो रिमोट कंट्रोल द्वारा संचालित की जा सके, और अपने इस प्रयोग में मैं सफल भी हो चुका था। मेरी माँ ने मुझे कुछ नहीं लिखा, लिहाजा मुझे किसी बात का पता नहीं चला। लेकिन जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस अपने देश लौटा तो मुझे हमारे घर में कोई और ही मिला और तब मुझे पता चला कि हमारा मकान बिक चुका है। मैं अपने पिता के दोस्तों के पास गया और उनसे मदद मांगी।
मगर उन तीनों ने मुझे मदद देने की बजाय धुतकार दिया और यह कहा कि मेरे पिता धोखेबाज थे, वे अपना सारा धंधा समेटकर अपनी पत्नी के साथ कहीं भाग गए थे। जा अब चला जा यहाँ से सपोले के बेटे। मैं अपनी माँ की तलाश में दर दर भटकता रहा। पेट भरने के लिए मैंने छोटी मोटी नौकरी कर ली और एक मकान किराए पर ले लिया और 6 साल बाद जब मैं फार्म के एक काम से मद्रास जा रहा था तो रेलवे स्टेशन पर मुझे मेरी माँ भीख मांगती हुई मिल गई। माँ, मैं अपनी माँ को घर ले आया। उस समय मेरी माँ को 103 बुखार था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी, लेकिन उस हालत में भी मेरी माँ ने मुझे उन तीनों शैतानों की सारी कहानी बता दी और दम तोड़ दिया। माँ वो मैंने उसी दिन से उन तीनों शैतानों से बदला लेने की ठान ली और अपने जिस आविष्कार को मैं देश की उन्नति के लिए प्रयोग में लाना चाहता था उस आविष्कार को मैंने उनको कत्ल करने के लिए प्रयोग में लाने की ठान ली। यह उन तीनों शैतानों के लिए खूनी पुतली साबित होगी, यही मारेगी उन तीनों को। हा। फिर मैं एक बूढ़े के रूप में सर्वप्रथम सेठ जमुना प्रसाद से विजय सक्सेना के नाम से उसकी शादी की वर्षगांठ पर मिला और उसे उपहार में खूनी पुतली भेंट कर दी। उस पुतली में यही विशेषता थी कि रिमोट कंट्रोल द्वारा उसे कहीं से भी कहीं भी चला फिराकर इंसानों की तरह एक ही जगह से दूसरे जगह ले जाया जा सकता है। सेठ जमुना प्रसाद को वह गुड़िया इतनी पसंद आई कि उसने उसे अपने शयन कक्ष में ही रख लिया और इससे मेरा काम और आसान हो गया। मैंने रात के समय अपने रिमोट कंट्रोल द्वारा गुड़िया को संचालित किया खर और गुड़िया के मुंह में भरे जहर को जमुना प्रसाद के मुंह में टपका कर उसी रात उसे मार डाला और दूसरे दिन जमुना प्रसाद की नौकरानी के 100 रुपये देकर वह गुड़िया वापस ले ली। इसी तरह मैंने सेठ चमन भाई को भी ठिकाने लगा दिया और मुझे पूरा विश्वास था कि मैं किशन लाल को भी उसके किए की सजा दे दूंगा, लेकिन वह मिस्टर बॉन्ड की वजह से बच गया। परंतु तो मुझे संतोष है कि मैंने तीन में से कम दो शैतानों को तो उनके गुनाह की सजा दे दी। इस तरह से सारी बात साफ हो गई। प्रकाश की सारी व्यथा सुनकर बॉन्ड व पटाखा सिंह को उससे सहानुभूति हो गई थी, लेकिन वह उसके लिए कुछ नहीं कर सके। आखिर उसने एक नहीं बल्कि दो दो इंसानों का कत्ल किया था। अदालत ने उसे 10 साल की सजा सुनाई। किशन लाल भी अपने किए की सजा भुगतने से नहीं बच सका। उसे उसी रात दिल का दौरा पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। जमुना प्रसाद और चमन भाई के नौकर नौकरानी को चूंकि पहले ही सरकारी गवाह बना लिया गया था इसलिए उन्हें अदालत ने बरी कर दिया था और कातिल प्रकाश राय को कानून के शिकंजे में फंसाकर अदालत पहुंचने के लिए अदालत ने इंस्पेक्टर पटाखा सिंह की बुरी बुरी प्रशंसा की और यह प्रशंसा अखबारों में चर्चा का विषय बन गई। फिर मेरे दुश्मन पटाखा सिंह की तारीफ। उफ, लगता है मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।